अल्लाह खैर करे, ज़्यादा नहीं बेटा राइट लेफ्ट करनी, बिल्कुल स्लोली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदसलाम मेरे और आपके प्यारे तसोने तमनमोड़ आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, इस वक्त जो आप मनाजर देख रहे हैं ये कागान वैली के हैं, और जो रास्ता जाता है कागान से वापसी की जानब, और यानी कि कागान से बाला कोट की तरफ जो रास्ता जाता है उसकी क्लिपिंग है, और ये हमारे इसके लवे से वाले से एक व्लॉग पहले भी आ चुका है, और आज हम आपको रास्ते की ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है मियाँ उमर हयात साहब, वो जब बर्फ़बारी शदीद होने के बाद फिर वहाँ से निकलें तो उनका सफ़र कैसा गुजरा है ये डिटेल वो ख़ुद ही बता रहे हैं अपनी इस वीडियो में। तो हम भी आज की ये वीडियो उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और आपको दिखाएंगे कि रास्ते में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और रास्ते में क्या कुछ हुआ, ये सारी डिटेल वो खुद आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। मेरी बस ये आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वह बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और आप इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में फिर अपना टूर प्लान करें। तो अभी चलते हैं मियाँ साहब के पास, देखते हैं कि वो हमें वहाँ से क्या अपडेट दे रहे हैं कि उनका रास्ता कैसा, सफ़र कैसा गुजरा। तो ये उन्हीं के सफ़र, उन्हीं की ज़बानी, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। रास्ते में इनके साथ क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी मलिक साहब। लो मलिक साहब, हमने रिवर्स टू मार्च टू द बैक कर लिया है, होपफुली कि हम अभी देखिए सन लाइट आ गई है ना गगन में, और नूर की चादर बेहतरीन है और अच्छा वेदर है इस वक्त, गुड सीज़न है। तो हमने इसलिए बैग टू होम सोचा है कि इसलिए कि वो अब स्नो नहीं हो रही, स्नो स्टॉप कर गई है, मगर ये कि सनलाइट में अच्छा लग रहा है। और ये बाज़ार से हम निकल आए थे तो थोड़ा सा जहन में आया कि बाय बाय वीडियो बनाई नहीं, तो मलिक साहब के लिए बनाए बाय बाय वीडियो। तो इसलिए जनाब हम चाह रहे हैं कि आपको बाय बाय कह दें, और आपको दिखा दें कि जी गाड़ी में हम चल पड़े हैं ताकि सेफ एंड साउंड अल्लाह करे एरिया ऑफ द आइस जो स्लिपरी कर रही है उससे निकल जाए, ताकि फंस ना जाए। कल तक तो ये कह रहे हैं कि हवा चलने से और आमदोरफ्त की वजह से ये चेंज कर जाएगी जगह, उससे फिर तो खनिया तक जो है ना वो कह रहे हैं कि रास्ता ज़रा इस तरह का ही है बचा के चलने वाला, फर्दर ऑनवर्ड जो है ना वो शायद कोई डिफरेंट हो। तो इसलिए हमने सोचा है कि फिर निकल ही जाते हैं। तो अभी ये जो है ना वो क्रिस्टल स्टार्ट हो गए दोबारा, पर हम अब निकल चुके हैं, तो अब हमारा मूड शायद ना बने वापसी का, रिटर्न टू कागान। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता फिर जा रहे हैं, तो ये बाय बाय वीडियो आपके लिए बनाई है। तो ये साहब जी थोड़ा सा चाहते थे कि रास्ता रोक के तो अपनी पार्किंग के लिए अपने गैराज में गाड़ी लगाने के लिए उन्होंने इसको स्टॉप किया था, अब उन्होंने रास्ता दे दिया जी हमें। ये अवान हाउस के करीब हम पहुंच गए हैं जी, लाल लाल हुसैन। तो अल्लाह
खैर करे। ले जनाब मलिक साहब, हमें तो थंडर लग रहा था लेकिन ये तो स्नो का पैच है और स्नो थोड़ी थोड़ी गिरा आ रहा है, बॉल्स की शक्ल में आ रही है। अल्लाह खैर करे, ज़्यादा नहीं बेटा राइट लेफ्ट करनी, बिल्कुल स्लोली। हाँ जी दोस्तों, ये रास्ते में एक गाड़ी है जिसको बड़ी मुश्किल से इनके उन्होंने रास्ते में वापसी पे आते हुए बचाया है, और ये जब इसकी क्रॉसिंग हो रही थी तो भी बचाया है कि वो कहीं गाड़ी लग ना जाए। ये नौजवान है, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर इस सफ़र के दौरान बेवकूफ़ी की, अल्लाह ताला ने इनको बचाया है। क्योंकि ये जवान आए तो बर्फ़ारी देखने के लिए थे, लेकिन इनकी रफ़्तार देखें कि कितनी तेज़ी के साथ, एक तो गाड़ी चला रहे हैं ना, इनके पास नो चेन थी, और ये स्लिप होते होते बचे हैं बिल्कुल। ये इसका एक क्लिप और भी है, मैं देखूँगा अगर वो मिलता है तो मिसाल करता हूँ, जिसमें बिल्कुल ये इनकी गाड़ी मियाँ साहब की गाड़ी के साथ वो बिल्कुल जुड़ गई थी गाड़ी, और उन्हें इस चीज़ का सेंस ही नहीं था कि बर्फ़ पर कैसी गाड़ी चलाई जाती है, और बहुत मुश्किल मियाँ साहब की गाड़ी जंसी है वहाँ पर वो साथ टकराते टकराते बची है। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पर आएँ तो मेरी ये आपसे दरख्वास्त है कि बर्फ़बारी के दौरान तो स्नो चेन गाड़ी के साथ लाएँ, टो चेन भी लाएँ, कंप्रेसर भी लाएँ, ये सारी चीज़ें हैं, और सबसे बढ़कर आपको बर्फ़बारी पर गाड़ी चलाने का हुनर आता हो। तो ये रास्ते में इनके साथ एक वाकया है, आगे वो देखें वो क्या बताते हैं कि कैसे हुआ है। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब मलिक साहब, मलिक साहब थोड़ी जी स्टार्ट हो गई है स्नोफॉल, थनिया पहुंचने वाले थे तो उससे पहले ही स्टार्ट हो गई, तो अभी स्नो गिर रही है। गाड़ी का सीन है फ्रंट स्क्रीन से के लिए ये एडजस्टेबल, एज ए मास्टर माइंड आप इसको खुद ही एडजस्ट कर लीजिएगा, जिस तरह भी आप मुनासिब समझें। तो मैंने कहा आपके लिए क्लिप बना रहा हूँ, दरमियानी लेयर जो है वो गाड़ी के नीचे से लग रही है, हमारी गाड़ी थोड़ी शायद नीची है, इसलिए एहतियात से चलना पड़ रहा है।